शांति इसराइल। उत्पत्ति 12:3, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यह यहोवा के द्वारा दिया गया एक गुप्त रहस्य है जो युगों से है। एक आशीष दूसरी आशीष को खोलती है। जो राष्ट्र इसराइल को आशीष देगा वो स्वयं आशीष प्राप्त करेगा। उठो भारत, अपनी आशीष प्राप्त करो। यह परमेश्वर की योजना है। भारत और इसराइल। बनी इसराइल का भारतीय तट पर आगमन। मित्र, सहयोगी, व्यवसायी, इतिहास के रचने वाले स्वतंत्र सेनानी। भारत और इसराइल, एक अनोखी कहानी जो संत तोमा के समय काल से आरंभ हुई। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास के समय से इसराइल के साथ घनिष्ठ संबंध रहे हैं। राजनैतिक, अर्थशास्त्रीय विकास, व्यवसाय, सेनानी गठबंधन एवं विकास, वैज्ञानिक एवं तकनीकी आदान प्रदान। इसराइली भी भारत से प्रेम करते हैं। इस राष्ट्र को आशीषित करने के अनेक अवसर हैं। भारत की सीमा कई जिज्ञासु इसराइली यात्रियों को आकर्षित करती है। चालीस हजार युवा इसराइली हर वर्ष सत्य एवं रोमांच की खोज में भारत आते हैं। 40,000। भारत, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। तेरे प्रेमी कुशल से रहें। आइए हम सब इस प्रार्थना लहर में जुड़ें कि राष्ट्रों की नियति बदले।